दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस वेबिनार के अंदर। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर सही समय पर उपस्थित हुए। और पूरे कीवा काइको इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं कीवा का नेशनल ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि न्यूरो संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसीलिए आज के इस वेबिनार को बहुत ही ध्यान से अटेंड करें। और आइए बिना किसी देरी के आज के इस वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वापस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और वंस अगेन मैं प्रदीप सिंह राठौर आप सभी का आज के इस वेबिनार के अंदर कीवा काइको इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे चीजों से मिलकर के बना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका। हजारों और लाखों कोशिकाएं हर सेकंड मरती हैं, हजारों लाखों कोशिकाएं हर सेकंड नई बनती हैं। लाखों कोशिकाएं मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करती हैं जिसको हम ऊतक भी बोलते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि कोई अंग बनाते हैं। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हमारे शरीर की जो रचना है वो इस तरीके से होती है, यानी कि शेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हमारा शरीर जो है वो मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं, 80 से 90% जो बीमारियां होती हैं वो आंतरिक कारणों की वजह से होती है, अंदर की समस्याओं की वजह से होती है। सिर्फ 10 से 20% जो बीमारियां हैं वो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होती हैं। 80 to 90% तो इंटरनल होती हैं और 10 to 20% एक्सटर्नल होती हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हमें समझना है कि ज्यादातर जो हम लोग बीमार पड़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो भी शारीरिक समस्याएं हमें होती हैं, उसके लिए 80 से 90% हमारी अंदर की चीजें, अंदर की कमियां जो हैं वो जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन या बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पेनक्रियाज है, किडनी है, ब्रेन है। ये बहुत सारे ऑर्गन से हमारा शरीर जो है वो मिलकर के बना हुआ है। लेकिन कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं। और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें तो हमें इन सिस्टम को समझना और इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। देखिए सबसे पहला यहां पर आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट से लेके ब्रेन से लेके और पूरे शरीर में जो ब्लड की सप्लाई होती है उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड है नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग से लेके हमारे शरीर की जो नसों का जाल है, जो हमारे दिमाग से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जो कमांड पहुंचती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमारे शरीर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा श्वसन तंत्र। चौथा है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। पांचवा है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारा अस्थि तंत्र, हमारा हड्डियों का तंत्र। और लास्ट का है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारी मांसपेशियां। ये 6 अलग अलग तरीके के सिस्टम हमारे शरीर में है। और अगर ये सिस्टम सुचारू रूप से सही तरीके से काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो रोगों से मुक्त रहता है और हम जो है वो बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन आजकल हमारे खान पान, वातावरण और दूसरी तमाम हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से आज बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो आज हम एक सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम की कमी की वजह से होते हैं। दैनिक जीवन में हमारी बहुत सारी स्वैच्छिक और अनस्वैच्छिक जो गतिविधियां हैं, यानी कि जो हम अपनी इच्छा से करते हैं काम
या जो अपनी इच्छा से नहीं भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम के लिए हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो जिम्मेदार होता है। और नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि india.com की एक खबर के अनुसार ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, क्रोनियल नशे, तंत्रिका जड़ें, परिधीय नशे, इस तरीके का पूरा सिस्टम और हमारी मांसपेशियां समाहित होती है। तंत्रिका तंत्र का जो विकार होता है या न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर अगर कोई वायरस, जीवाणु, कवक या परजीवी का संक्रमण अगर हो जाता है तो हमें अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, मिर्गी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं, ट्यूमर हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आती है, या तो किसी को भूलने की बीमारी हो, किसी को डिमेंशिया हो, मिर्गी हो, माइग्रेन हो, स्ट्रोक हो, सरदर्द हो, ट्यूमर हो, न्यूरो इन्फेक्शन हुआ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आती हैं। और इनका मुख्य कारण है हमारे नर्वस सिस्टम में किसी ना किसी तरीके की कोई समस्या होना। आंकड़े ऐसा कहते हैं कि भारत में जो कुल रोग हैं उनमें से 10% जो योगदान है रोगों में वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है, यानी कि 10% लोग जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। इसके अलावा भारत में अगर कुल विकलांगता की बात की जाए तो 1990 में 4% था और 2019 में ये 8.2% हो गया, यानी कि न्यूरोलॉजिकल की समस्याएं जो हैं वो दिन पे दिन जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है हमारे देश के अंदर। अब सवाल उठता है कि किस तरीके के विकार हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा विकार हमें देखने को मिलता है स्ट्रोक, सरदर्द या मिर्गी। दूसरा हमें मिलता है मनोभ्रंश या डिमेंशिया, जिसको हम बोलते हैं। भारत में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति को जो है वो या तो सरदर्द है या कोई तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो है वो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, आप लोग ये कैसे पहचानेंगे कि मुझे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे है, तो इसके पहचानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके मूड में बार बार बदलाव होता है, कभी एकदम से चिड़चिड़ापन, कभी एकदम से खुश हो जाते हैं, यानी कि मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम होती है, बार बार मूड में बदलाव होना, ये सबसे बड़ा एक लक्षण है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का। दूसरा, जरा सी कोई तकलीफ हुई, जरा सी कोई प्रॉब्लम हुई तो आत्महत्या करने का जो प्रयास लोगों के दिमाग में आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं या ये कर दूं वो कर दूं, तो ये जो समस्याएं हैं ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है। डिप्रेशन होना, हर छोटी बात का तनाव, एकदम से तनाव में आ जाना, थकान होना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, सेक्स लाइफ प्रभावित होना, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाना, जरा सी बात हुई रोने लग गए या जरा सा कुछ कहा तो लोग बहुत सारा एकदम बहुत ज्यादा लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जो लोग भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वो लोग भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। पैनिक अटैक आना, तो ये जो लक्षण हैं ये बताते हैं, इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम अगर आपके शरीर पे देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कीवा इंडस्ट्रीज एज ए सॉल्यूशन आपको ये 3 प्रोडक्ट दिए हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप न्यूरो हेल्थ जो हमारा ड्रॉप है वो, न्यूरो हेल्थ जो हमारा कैप्सूल है वो, और तीसरा है कीवा अकाई, ये 3 प्रोडक्ट ले आप सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से 2 प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, न्यूरो हेल्थ और न्यूरो हेल्थ ड्रॉप के बारे में। दोस्तों न्यूरो हेल्थ ड्रॉप जो है वो स्पेशल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, 100% नेचुरल ये प्रोडक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी जो डिप्रेशन प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं, और कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये काम क्या करता है, ये इनहेंस करता है,
ये जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड की सप्लाई है, उसको दिमाग में इन्हेंस करता है, जिससे ब्लड को, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है और दिमाग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, हमारा फोकस इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और भी बहुत ज्यादा, यानी कि नर्वस सिस्टम को स्ट्रोंग करने का काम ये करता है। इसको जो बनाने के लिए जो हर्ब्स हैं, उन हर्ब्स को, स्पेशल जो हर्ब्स हमारे न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम के लिए होती हैं, उन हर्ब्स को इसके अंदर डाला गया है, और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी ये है जो कि हमारे हेल्दी नर्वस फंक्शन के लिए ये सपोर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे नर्वस को, नर्व को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये ब्लड फ्लो को, यानी कि ब्लड की सप्लाई को दिमाग में बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये ब्रेन को एनर्जी देने का काम करता है, और ब्रेन के फंक्शन को सही रखने में मदद करता है, और ब्रेन को मजबूत बनाए रखने में, नसों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की वजह से होने वाली जो शरीर में और भी समस्याएं हैं, ब्रेन के साथ साथ जो और समस्याएं हैं, उसमें भी इसके बहुत ही इफेक्टिव, भी बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, ब्लड फ्लो को इनहेंस करेगा, एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगा, मेमोरी को सही रखने का काम करेगा, आपके फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा, डिप्रेशन से बचाएगा। तो इतने सारे फायदे हमें इस ड्रॉप से मिलते हैं। किसी भी तरीके का तंत्रिका तंत्र संबंधी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये चार हर्ब्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं, तीन तीन तीन, और यानी कि 10 ml अगर आप 10 ड्रॉप के अंदर आप देखते हैं, या आप देखेंगे तो 10 ml ड्रॉप के अंदर कितनी कितनी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये चार स्पेशली इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस ड्रॉप के अंदर मौजूद हैं, और आप 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम को खाली पेट या खाना खाने से आधा घंटे पहले आप इस ड्रॉप का सेवन कर सकते हैं। किसी तरीके का माइग्रेन का प्रॉब्लम या और भी कोई प्रॉब्लम, अगर आपको न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस प्रोडक्ट से मिलते हैं। सेकंड हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कीवा न्यूरो हेल्थ। दोस्तों ये न्यूरो हेल्थ हमारा जो प्रोडक्ट है, ये भी हमारा जो नर्वस सिस्टम जो कि विशेष रूप से बना हुआ है, ये इस नर्वस सिस्टम के लिए एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको स्वस्थ रखने का काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्वस सिस्टम की जो खराबी के कारण, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, मिर्गी के जो प्रॉब्लम होता है, और अल्जाइमर है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये सारी न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है। तो इन सभी समस्याओं में हमारा ये जो प्रोडक्ट है, इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो न्यूरो हेल्थ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना हुआ एक बहुत ही अनूठा प्रोडक्ट है हमारा, और हमारे दिमाग में खून की सप्लाई को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारा दिमाग जो है वो बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर जिंको बलोबा है, बाकुपा मोइत्री है, इसके अंदर रोस मार्नस ओफी सिनालिसिस है, ह्यूपर जियासिरुटा है, और सेंट्रल ISTISTS है। तो ये इसके अंदर बेसिकली 5 हर्ब्स इसके अंदर मौजूद है, जिनका आप फोटो भी यहाँ पर देख रहे हैं, और बहुत सारी हर्ब्स हमने अपने आसपास भी देखी है ये। अब बेसिकली इसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रोडक्ट का हम लोग सेवन करते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने का काम करता है, न्यूरो की शक्ति को बढ़ाएगा, हमारी याददाश्त को बढ़ाएगा, एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है। और लेना कैसे होता है? एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को, भोजन से आधा घंटे पहले या खाली पेट हम इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो है कीवा अकाई। दोस्तों ये कीवा अकाई जो है, इसको आपको इसके साथ जरूर लेना है। तो यानी कि न्यूरो हेल्थ ड्रॉप हो गई, और न्यूरो हेल्थ हमारा जो टेबलेट हो गया, और इसके अलावा कीवा अकाई। कीवा अकाई के अंदर जो है वो 21 से ज्यादा फलों का एक अनूठा मिश्रण है। ये हमारे शरीर को सही पोषण प्रदान करता है, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर सभी गुणकारी फलों का सघन अर्क मौजूद है। बेसिकली आता कहाँ से है? अकाई जो है बेसिकली दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में जो सैकड़ों वर्षों से अकाई बेरी का फल जो है, उसका उपयोग चिकित्सा के कार्यों में हो रहा है।
इसमें विशेष चिकित्सकीय गुण मौजूद होते हैं। तो अकाई जो है वहां से इस अकाई को लिया गया है, इस बेरी को लिया गया है और इसके अंदर से नमी को निकाल के इसको ड्राई फ्रीज करके इस फॉर्मूले से 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई फ्रीज करने के बाद हमारा ये जो जूस है, ये अकाई जूस है, ये आपको बिल्कुल शुद्ध अकाई के बेरी से आपको ये गुणकारी फलों के मिश्रण के साथ आपको ये प्रोडक्ट बनकर के मिलता है। कीवा अकाई हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके अंदर 21 फलों का अनूठा मिश्रण है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और इसके अंदर कोई भी मिठास नहीं है, कोई चीनी नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई लैक्टोज नहीं है, कोई ग्लूटेन नहीं है, कोई गेहूं खमीर और सोडियम फ्री प्रोडक्ट, यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको ये दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों से शुद्ध रूप से ये अकाई का जो आपको जूस मिलता है, इसके अंदर शुद्ध गुण जो है वो अकाई बेरी के मौजूद है। बेसिकली इसका काम होता है हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना और ब्लड सर्कुलेशन का हमारा जो है हमारे न्यूरो प्रॉब्लम्स में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ब्लड सर्कुलेशन का भी एक अपना अहम रोल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित रखने का काम करता है। ये एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जो भारी धातुएं हमारे शरीर में पहुंच जाती है उनको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा नियमित सेवन करने से आपकी उम्र बढ़ने की जो अचानक से प्रक्रिया होती है उसको ये रोकता है, जितनी आपकी उम्र है आप उतनी ही दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ उम्र की प्रक्रिया के बढ़ने के साथ साथ, रोकने के साथ साथ बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हमें इससे देखने को मिलते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करेगा, कोशिकाओं के कामकाज में सुधार करेगा, फ्री रेडिकल के अटैक से हमें बचाने का काम करता है, सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है, भूख को नियंत्रित करता है, पेट में गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखता है, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है और इसका सेवन हमें करना चाहिए 18 साल से अधिक 10 ml सुबह 10 ml शाम को हम इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये तीन प्रोडक्ट है हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, एक तो है न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, एक है हमारा न्यूरो हेल्थ टैबलेट और तीसरा है अकाई जूस। तो इन तीनों प्रोडक्ट को लेकर के आपको किसी भी तरीके का न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है, आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है या किसी को अल्जाइमर का प्रॉब्लम है या और भी कोई समस्या है, तो आप ये तीन प्रोडक्ट लेकर के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे तीन शानदार प्रोडक्ट हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आज की जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आज की जानकारी आपको कैसी लगी और किस तरीके से हमें कौन कौन से तीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने आपको ये बताया क्या उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उनसे स्वास्थ्य लाभ हमें मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या लक्षण हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो जानकारी है वो आपके काम आएगी और आप अपने आसपास, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने आसपास के लोगों को इस तरीके की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें आप दे सकते हैं। जी गोविंद जी, बिल्कुल दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नए खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की इस दी हुई जानकारी को अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कहीं आपके नजदीक किसी को ये समस्या तो नहीं है, और अगर ये समस्या है तो कीवा के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ आप उनको बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार।